डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग टेंथ क्लास में मैथ एनसीईआरटी बुक से फॉलो करते हुए हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़े हुए हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने दूरी सूत्र को पिछले क्लास में पढ़ा था। अब वो दूरी सूत्र क्या है, उसका हम लोग को फार्मूला भी याद है, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में क्या क्या क्वेश्चंस कह रहा है, हमें क्या निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हालांकि आपको हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आपको दिए थे बनाने के लिए, हालांकि अगर फिर भी आपसे अगर नहीं बना होगा तो चलिए आप क्वेश्चंस को देखिए कि हमें उसको कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले अगर बात कहा जाए, पहले में 3 सवाल है, ध्यान से देखिए। बोल रहे बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें, यानी कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। हालांकि यहां पे भले नाम नहीं दिया है, लेकिन 2 पॉइंट्स दिया है और वो दोनों पॉइंट के बीच दूरियां निकालना है। जैसे मान लिया कि पहला नंबर सवाल में ऐसे दिया है 2, 3 का ब्रैकेट, मतलब एक निर्देशांक हो गया 2, 3 का, फिर कॉमा दिया है 4, 1 का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नाम नहीं दिया है, तो आप अपने तरीके से इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये 2, 3 P है, P बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, आपको जो मन करे मान सकते हैं। और एक और बिंदु Q है, चाहे R मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसका दिया है 4, 1। ठीक है, अब हमें दूरी निकालना है, तो यहाँ पे दूरी क्या होगा, दूरी बराबर PR, क्योंकि PR की दूरी है, और इसका दूरी का फॉर्मूला क्या बताए हैं, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर कीजिए, तो ये है X1 और ये है Y1, यानी कि X1 Y1 एक निर्देशांक होता है और दूसरा निर्देशांक होता है X2 Y2। ठीक है, तो पहला निर्देशांक X1 Y1 है, दूसरा X2 Y2 है, तो पहला में से अगर दूसरा को घटाएंगे, यानी कि X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर, तो यहां 2 है, वहां -2, माइनस तो फार्मूला होता है, X2 का वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर कीजिए, फिर बीच में प्लस देना होता है, फिर Y1 में से Y2 को घटाइए, तो Y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस Y2 1 का होल स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू इधर कितना हो गया, रूट अंडर 2 में से 4 गया दोस्तों -2, और -2 का यहाँ पे लिखेंगे क्या स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे निकाल देंगे, -2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 कितना मिलकर हो गया 8, और 8 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2, तो अगर 2 को जोड़ा रहता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है, तो ये 2 × 2 है, तो 2 बाहर आ गया, इट मीन्स 2√2 इसका दूरी बन गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग किसी भी दूरी सूत्र को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहला में हम जानते हैं कि 3 सवाल है, तो पहला में 3 सवाल को हम पहला सवाल कैसे सॉल्यूशन होगा ये तो हम कर लिए, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। -5, 7 एक का निर्देशांक दिया है और दूसरा निर्देशांक -1, 3 दिया है, तो आराम से बन जाएगा। अब जरा बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो निर्देशांक दिया हुआ रहता है दूसरा में, क्या सवाल दिया है, -5, 7 और -1 और 3। हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसको कोई भी पॉइंट नाम दे दीजिए, A, B, P, Q, कुछ भी,
लेकिन यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, x और y1 का वैल्यू हो जाएगा सेवन, x2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, y2 का वैल्यू हो जाएगा थ्री। तो आप वही फार्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का एड कर देंगे। तो पहला का तीन सवाल है जिसमें हम पहला का पहला क्वेश्चन को बता दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है। अब आपको प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि सर पहला का जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे, ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो भाई सिंपल ए भी है, आप एक्स वन के जगह पे रख देना ए और वाई वन के जगह पे बी, x2 के जगह पे माइनस है और y2 के जगह पे माइनस बी, और फिर से फार्मूला वही रखना, तुम्हारा आंसर जो आएगा a और b में आएगा। इट मीन्स इसको कर ही देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो निर्देशांक है तो दोनों निर्देशांक का अपने से नाम दे देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, a b p q r s, हमने दे दिया इसका नाम r, इसके निर्देशांक a और b है, इसका नाम दे दिया s, इसका निर्देशांक माइनस ए कॉमा माइनस बी है। अब ये दो निर्देशांक हमको पता है दो पॉइंट का, तो इसके बीच की दूरी निकालने का फार्मूला, यहां दूरी का नाम क्या होगा, हम आर एस माने हैं तो दूरी आर एस होगा, रूट अंडर फार्मूला क्या है भाई, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू, क्योंकि वन में से टू को घटा रहे हैं तो यहां पर भी वन में से टू को ही घटाएंगे। और ये तो होता है दूरी सूत्र। अच्छा, अब दूरी सूत्र इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहां पे आप करोगे क्या, रूट अंडर का रूट अंडर, एक्स वन किसको बोलते हैं, तो पहले एक्स निर्देशांक आता है फिर वाई निर्देशांक आता है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज भी कहते हैं जबकि वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो यहां भुज के तौर में कितना है ए, तो ए माइनस यहां पे कितना है माइनस ए, फिर पूरा का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे एक्स वन के जगह पे ए है और माइनस तो ऑलरेडी फार्मूला में होता है, और एक्स टू के जगह पे क्या है माइनस है, तो यहां पे माइनस ए कर दिया, फिर पूरा का होल स्क्वायर प्लस वाई वन, तो वाई वन कितना है बी माइनस, ये माइनस कहां से फार्मूला से, फिर y2, तो y2 कितना है कॉमा के बाद वाला को y2 y निर्देशांक बोलते हैं, यहां पे माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देख पा रहे होंगे यहां पे जो हमें मिल रहा अभी तक वो क्या मिल रहा है, a है और माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, तो a प्लस a का बन गया स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो बी प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे एक और ए का ऐड करने के बाद टू वे होगा, और टू वे का स्क्वायर प्लस बी और बी को ऐड करेंगे टू बी का स्क्वायर। दोस्तों अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टू ए का जब स्क्वायर होता है तो टू का भी स्क्वायर करते हैं, ए का भी स्क्वायर करते हैं, तो टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। वैसे ही यहां टू बी का जब होल स्क्वायर होता है तो बारी बारी से इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो टू का स्क्वायर कितना बन जाता है फोर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब आप यहां से एक चीज और कर सकते हैं, क्या भाई, तो दोनों में फोर फोर आ रहा है तो फोर को हम कॉमन लेंगे आगे, तो यहां ए स्क्वायर बनेगा और यहां पे बी स्क्वायर बनेगा। अब हम लोग जानते हैं कि फोर का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है टू, तो चार का तो वर्गमूल निकल जाएगा दो, तो उसको बाहर कर लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर हम लोगों को जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जरा देख लेते हैं। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे चीजों को, तो चूंकि इसका जो आंसर बनेगा चार है तो चार का तो वर्गमूल स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं दो, वो बाहर हो गया, अब इसका तो वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये रूट में ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोगों को ये दूरी हो गया।
तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग पहला का तीनों को सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला में तीन सवाल थे जिसको फर्स्ट एंड थर्ड को हम सॉल्व कर दिए हैं, एक सवाल आपके लिए छोड़े हुए है पहला का दूसरा, तो आप उसको खुद से बनाइएगा, आंसर मैच कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा भेजिएगा, फिर हम चेक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ की बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है बिंदुओं 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात करें। साफ लिखा हुआ इसमें हिंदी में कि एक 00 बिंदु है, एक 3615 बिंदु है और उसके बीच में आपको क्या करना है और दूरी निकालना है दोस्त, और दोनों दूरी का नाम जो है ए और बी है। कौन सी नाम है? ए और बी है, और यहाँ पे लिखता है कि दोनों शहर है, जैसे मुंबई कोलकाता महानगर है ना, वैसे ही ए और बी दो शहर है और दोनों शहर का हमें बिंदु पता है। क्या पता है? बिंदु पता है। तो दूसरा वाला में एक ए शहर है भाई, ए क्या है? ए शहर, और ए शहर का हमें क्या पता है? बिंदु 00, ठीक है। और एक यहाँ पे बिंदु बी है, ये भी एक शहर है, जैसे मुंबई कोलकाता वाराणसी इलाहाबाद ये सब है ना शहर, वैसे ही शहर का नाम यहाँ पे ए और बी है, और ए का निर्देशांक दिया है 00, और पता है ना हम लोग मूल बिंदु का निर्देशांक 00 भी कहते हैं। अच्छा, बी एक शहर है, इसका निर्देशांक दिया है 3615, तब बोल रहा है कि ए शहर और बी शहर के बीच की दूरी कितना है, तो नहीं निकाल सकते हम लोग, तो किस फार्मूला से आप यूज करोगे भाई? तो वही दूरी सूत्र से। तो आपके लिए हम ए भी क्वेश्चन छोड़ते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा खुद से, दूरी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आप खुद से निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र का यूज करके। इसमें अगर बात करें तो ये हो जाएगा हम लोगों का X1 और ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा हम लोगों का X2 और ये हो जाएगा हम लोगों का Y2। दोस्तों हर बार हम X1, Y1, X2, Y2 नहीं लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट टाइम है, पहली बार इन चीजों को सीख रहे हैं, हम आपको लिख के बता रहे हैं, वरना कभी भी क्वेश्चंस में आंसर करेंगे तो लिखना नहीं है कि ये X1 है ये Y1 है, आप खुद समझेंगे सिर्फ अपने आप से कि हम इसको XY निर्देशांक होता है ना, तो ये X1 Y1 बोल दो, इसको X2 Y2 बोल दो, ठीक है, और इसको आप अपने तरीके से यूज करना है डायरेक्ट, वो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे तीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1523 और -2 -11 संरेखी हैं। देखिए भाई सवाल क्या बोल रहा है, जरा अच्छे से समझिएगा। तीन को बिंदु दिया हुआ है और तीनों का नाम नहीं पता है, उसका नाम पता नहीं पता, लेकिन तीन बिंदु दिया है, एक बिंदु का नाम है 1523, दूसरे का 2-3 और तीसरे का -2 -11। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये संरेखी है। अब जरा हमें समझना पड़ेगा कि आखिर संरेखी का मतलब क्या है। और दोस्तों हम आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे 7.1 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, तो संरेखी के बारे में हमने आपको बताया था कि संरेखी उसे कहते हैं जिसमें तीन पॉइंट्स अगर दिया रहेगा या फिर तीन वो दूरियां दिया रहेगा। दूरी कितना दिया रहेगा? तीन। दो जैसे एक दूरी लिया रहेगा 10 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, एक 18 सेंटीमीटर, और तीनों को चेक करना है कि तीनों संरेखी है कि नहीं। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि संरेखी चेक करने के लिए
किसी भी दो को जोड़ने से अगर तीसरा के बराबर आ जाता है हम उसको बोलते हैं संरेखी। किसी का भी दो को जोड़िए और तीसरा के बराबर हो जाए तब हम उसको बोलते हैं संरेखी। हालांकि आप सोचने योग्य होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि किसी भी दो को जोड़ने का मतलब क्या है, जो दोनों छोटा होगा उस दोनों को जोड़िए, अगर बड़ा वाला के बराबर आ जाए तो आप समझ लो कि वो क्या है, तो वो एक्चुअली संरेखी हो जाएगा। तो इसमें दोनों छोटा वाला कौन है भाई, तो 10 और 15, ठीक है। तो 10 और 15 दोनों छोटा है और दोनों का जोड़ने से कितना आता है आप देख लो, दोनों को जोड़ने से 25 आता है। तो क्या ये तीसरा 25 है, नहीं, तो इसको हम बोलेंगे कि संरेखी नहीं है। तो संरेखी का पहचान करने के लिए जो दिया गया तीन दूरी होगा उसी दिया गया तीन दूरी से आपको ये पता करना है कि जो छोटा वाला दोठो है उसको जोड़ने से बड़ा वाला प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों छोटा वाला को जोड़ने से बड़ा वाला मिल जाता है तब हम बोलेंगे संरेखी है। अगर मान लिया कि दोनों को जोड़े और बड़ा वाला, दोनों को जोड़ने से बड़ा वाला चीज नहीं मिल रहा है, बड़ा वाला तो इसमें 18 था और जोड़ने से आ रहा है 25, तो आपको तो ये बराबर नहीं आया, तो हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे कंडीशन में इसको बोलेंगे संरेखी नहीं। समझ में आ गया। हालांकि हम लोग पिछले थ्योरी में भी पढ़े थे संरेखी का मतलब, तो इस बार जो है ना बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। बोला गया कि तीन गो बिंदु है भाई, और तीन गो बिंदु का तो हमें नाम पता नहीं है। हम हमेशा मैथमेटिक्स में कुछ भी नाम दे देते हैं, माना कि फलना बराबर एक्स, चिलना बराबर वाई, वैसे ही यहाँ पे तीन बिंदु है। तो मान लीजिए, माना कि ए बिंदु का निर्देशांक दिया है दोस्तों 1.5, ठीक है। बी का अपने से मान लीजिए, आप चाहे तो आर एस भी मान सकते हैं, उससे हम लोगों को कोई नफरत नहीं है, 2 और 3। एक मान लिया सी दोस्तों, सी दैट इज -2 और -11, ये चीज दी हुई थी, हम इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये संरेखी है या ये संरेखी नहीं है। तो हम क्या बोले भाई कि संरेखी को चेक करने के लिए आपके पास तीन गो दूरी होना जरूरी है। अब यहां से तीन गो दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं, जरा सोचिए। तो जब तीन गो पॉइंट है तो तीन गो दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि संरेखी को चेक करने के लिए आपको तो तीन दूरी जरूरत है और यहां पे तीन गो बिंदु दिया है, तो तीन बिंदु से तीन दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम लोगों को सोचने वाली बात ये है। तो तीन दूरी निकालने के लिए आप सबसे पहले ए और बी के बीच दूरी निकालिएगा, तो ए वो दूरी हो गया, समझ रहे ना चीजों को। फिर आप बी और सी के बीच दूरी निकालिएगा, दूसरा दूरी पता चल जाएगा। फिर आप ए और सी के बीच की दूरी निकालिएगा, तो हम लोगों को इस तरीके से तीनों दूरी पता चल जाएगा और तीनों दूरी का मान पता चल जाएगा। तब फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या दो को छोटा वाला को जोड़ने पर बड़ा वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाएगा संरेखी हो जाएगा, नहीं मिलेगा संरेखी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये सीखना जरूरी है, कभी भी लाइफ में एग्जाम में अगर तीन बिंदु दिया रहेगा और संरेखी चेक करने के लिए कहेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, आप इससे तीन गो दूरी पता कीजिए। और तीन गो दूरी में कौन कौन से दूरी, तो सबसे पहले दोस्तों आप जरा अच्छे से देखिएगा, तो हम सबसे पहले एबी दूरी निकालेंगे, सबसे पहले एबी दूरी निकालेंगे। और एबी दूरी निकालने के लिए आपको दो गो बिंदु जरूरी है, एगो का नाम ए है, एगो का नाम बी है। तो ए का निर्देशांक कितना भाई, 1.5, सी का निर्देशांक 2.3, ठीक है। तो आप दूरी सूत्र से ए भी नहीं निकल जाएगा, आपसे निकल जाएगा आसानी से। तो आप ए भी निकालिए, क्या फॉर्मूला है, रूट करो, फिर
एक्स वन माइनस एक्स टू दूरी सूत्र। तो यहाँ एक्स वन में वन है, माइनस तो फॉर्मूला से एक्स टू टू है, और स्क्वायर कर दो प्लस एक्स टू माइनस वाई टू, सॉरी हाँ वाई वन माइनस वाई टू ना, ये वाई वन है तो ये फाइव माइनस में थ्री का क्या करना होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इन चीजों को समझो तो यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस दो, एक और माइनस दो का कैलकुलेशन कितना होगा माइनस वन का होल स्क्वायर, और पांच में से तीन गया दोस्तों दो का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा एक, प्लस दो का स्क्वायर कितना आएगा चार, और चार और एक को मिलकर रूट में पांच आ गया। तो रूट पांच का हमें एक दूरी पता चल गया है। अब आप इसी तरीके से उसके नीचे आप अब बीसी निकालिए, और बीसी निकालने के लिए बी बिंदु जरूरी है और सी बिंदु जरूरी है। बी का निर्देशांक सवाल में दिया है दो तीन, और सी का वैल्यू दिया है माइनस दो माइनस ग्यारह। तो वैसे ही चल के जब हम ए बी निकाले हैं दोस्तों, आपको क्या करना है ऐसे ही अब की बार इस पे दूरी सूत्र लगाते हुए बी सी निकालना है। तो बी सी भी कुछ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको एसी निकालना है। अब आप फिर एसी निकालिएगा, यहाँ पे ए बिंदु यहाँ पे सी बिंदु, सी का निर्देशांक वही रहेगा, ए का आप एक पांच करके आप यहाँ से एसी निकालिएगा, चलते चलते एसी निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम आपको हिंट्स के तौर पे बता रहे हैं। आपके पास तीन दूरी हो जाएगा, कौन कौन सा, एक ए बी जो रूट पांच निकाले हैं, बी सी कुछ निकलेगा, ए सी कुछ निकलेगा। अब आप खुद देखिएगा कि कोई दो गो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और ये वाला को जोड़ने से बीच वाला मिले, हम वैसा कुछ नहीं बोल रहे। हम बोल रहे कि दो ठो को छोटा वाला को जोड़ना है, दोनों छोटा वाला को, और फिर चेक करना है कि क्या बड़ा वाला मिल रहा है। अगर मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा यह संरेखी है, अगर नहीं मिलेगा आप लिखिएगा यह संरेखी नहीं है। ठीक है, तो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं यहां से बीसी निकालना और एसी निकालना। अगर आपको प्रॉब्लम होगा हमसे मिलिएगा, फिलहाल आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। आप बीसी निकाल लेंगे, एसी निकाल लेंगे, और फिर तीनों को चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है कोई दो गो को जोड़ने पर तीसरा। अगर कि कोई दो छोटा वाला को जोड़ने से तीसरा आता है, हम बार बार बोल रहे संरेखी होगा, नहीं आएगा, संरेखी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से ढंग से आप कंप्लीटली तौर पे बनाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु पांच माइनस दो, छह चार, सात माइनस दो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, क्योंकि हमें देखो कोई भी क्वेश्चन बोले ना कि आप इसको ये करना है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानो कि आखिर वो होता क्या है। ठीक है, उसको कैसे समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पे बोल रहे हैं तीन को बिंदु दिया है, तीनों बिंदु का नाम क्या है, पांच माइनस दो, छह चार, सात माइनस दो। अब ये बोल रहा है कि चेक करो क्या, या जांच कीजिए कि क्या बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या, सम मतलब होता है बराबर, और द्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। लेकिन यहां पे आपको एक त्रिभुज का तीन बिंदु पता है। आप मान लीजिएगा, माना ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। ए का मान कितना कितना दिया है दोस्तों,
फाइव माइनस टू, बी का मान छ कौमा चार, सी का मान सात कौमा माइनस दो। अब बोल रहा है कि एक त्रिभुज बना रहा है, तीन गो बिंदु से एक त्रिभुज बना रहा है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए बी सी, ए का निर्देशांक कितना, पांच माइनस दो, बी का कितना छ कौमा चार और सी का कितना पांच माइनस दो, ठीक है, ये चीज है। अब ए बी और सी का तो मान यहां पे दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब इस त्रिभुज का कोई भी दो गो भुजा बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा, या तो ए बी ए सी के बराबर हो जाए, ए बी बी सी के बराबर हो जाए। आप जान रहे ना कि ये त्रिभुज की तीन भुजा है, ये भुजा ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा। हमको चेक करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, जब इसके बीच का दूरी निकालेंगे, इसके बीच का दूरी निकालेंगे एसी और बीसी। तो जब एबी निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा दूरी, और फिर हमको पता चलेगा कि ये कितना है। जैसे मान लिया ए और बी का निकाले तो आया 10 सेंटीमीटर, ए और सी से निकला 8 सेंटीमीटर और इससे निकल गया 10 सेंटीमीटर, तब हम बोलेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ए बी बराबर बी सी, ठीक है। लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि कितना कितना आएगा। तो दोस्तों, कितना कितना आएगा, तो यहां से भी तीन गो बिंदु दिया है, तो तीन गो बिंदु से आप तीनों के बीच की दूरियां निकालिए। आप ए और बी के बीच निकालिए, फिर ए और सी के बीच निकालिए, फिर बी और सी के बीच निकालिए। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए बी निकालिए, और ए बी कैसे निकलेगा, तो पॉइंट देखिए, ए का मान और बी का मान, ए का मान कितना है पांच माइनस दो, बी का मान कितना है छ कौमा चार, यही ना। तो आप इसके बीच की दूरी ए बी बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी कि पांच माइनस छ का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू। तो y1 कितना है माइनस टू, तो यहां पे लिख देंगे माइनस टू, और फार्मूला से माइनस, और y2 कितना 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे 5 में से 6 गया कितना माइनस एक, और माइनस एक का यहां पे बनेगा स्क्वायर प्लस माइनस दो माइनस चार माइनस छ का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे रूट एक का माइनस एक का स्क्वायर एक, और माइनस छ का स्क्वायर कितना 36, तो 36 और एक मिलके कितना हो गया 37। तो ए बी के बीच में यहां लिख दीजिएगा रूट अंडर 37। वैसे ही दोस्तों, अब आप क्या निकालिएगा, जैसे ए बी निकाले हैं, फिर यहां से आप बी सी निकालिएगा, और एक तरफ यहां बी का निर्देशांक, यहां सी का निर्देशांक, बी का कितना है 6 4, सी का कितना है 5 माइनस 2, ठीक है। अब इस पर यूज करके आप बी सी निकाल लीजिएगा, और फिर ऐसे ही ए सी निकालिएगा, ए और सी के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। तो जब ए बी निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा, तब तो आपको पता चल जाएगा कि ये रूट 37 है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, और तीनों में से जो बराबर आएगा, तो आप लिख दीजिएगा तीनों का मान निकालने के बाद लिखिएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो बराबर आएगा, जैसे मान लिया कि ए बी बराबर बी सी आ गया, जैसे ये रूट 37 है, ये भी रूट 37 आ जाएगा, तब हम लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में फलना भुजा बराबर फलना, फलना मतलब ए बी या फिर ए सी, कुछ भी हो सकता है, या बी सी बराबर ए सी।
मतलब दो को बराबर हो जाएगा, फिर लिख दीजिएगा कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर नहीं आता है तो यहां लिखेगा त्रिभुज एबीसी में कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से एबी बीसी एसी निकालिएगा और फिर पता कीजिएगा कि हम लोगों का क्या आ रहा है आंसर। तो आज तक के हम लोग जो क्वेश्चन इसमें 7.1 में देखते हैं, टोटल क्वेश्चन 10 ठो है, जिसमें 4 क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने किया है। अब आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर हम लोग अगले दिन क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।